हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदरण डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था, साथ में हम लोगों ने वहां से जितने भी डेरिवेशन हो रहे थे सबको किया था, साथ में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कितनी रेखाएं मिलती है उन सबकी तरंग दैर्ध्य निकालना सीखा था, शॉर्टकट तरीका भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परमाणु तथा नाभिक के ऊपर जो सवाल बनते हैं वो कैसे कैसे बन सकते। तो पहला सवाल दे रखा है एक अल्फा कण चलता है, ठीक है। तो अल्फा कण चलता है तो ऐसे समझ लेते हैं, हीलियम इस सोने के नाभिक की तरफ जाता है, कितने की ये तो मान लेते हैं ये सोने का नाभिक है, इसके ऊपर आवेश कितना होगा 79e होगा, वो भी प्लस में, जेड इंटू ई होता है। यहां से अल्फा कण चलता है, ये है अल्फा कण, अल्फा कण के ऊपर आवेश कितना होता है प्लस 2e होता है, इतना आवेश होता है इसके ऊपर। ये इसकी तरफ चलेगा, हम जानते हैं जाएगा ऐसी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और वापस ये इधर की तरफ आएगा। तो जितने ये न्यूनतम दूरी तक जा सकता है r, वही कह रहे हैं निकटतम पहुंच की दूरी बताओ। याद होगा निकटतम पहुंच की दूरी के लिए फार्मूला लिखा भी था कि जो गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर, उसे किसके बराबर कर दिया जाता है स्थितिज ऊर्जा u के बराबर, और ये क्या लिखी जाती है 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2, तो यहां बनेगा 79e इंटू में बनेगा 2e डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा r। अब इस r की वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे ही रखी डायरेक्ट, तो यहां से लिख लेते हैं 4 मिलियन का मतलब 10^6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ बराबर। यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है 9×10^9 याद होगा तो, और यहां लिखेंगे 79 इंटू ई का स्क्वायर, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ का होल स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय। इधर क्या लिख सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाएगा r, यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो निकल के आ जाएगी 5.7 × 10⁻¹⁴ मीटर। कैलकुलेशन तो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन लगाना कैसे था वो ये अप्रोच होता है। बाकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में बदलना हो तो कुछ इस तरह से बदल सकते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में ऊर्जा दे रखी है, एक परमाणु की उन्होंने कहा हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में ऊर्जा बतानी कितनी होगी। तो हम लोगों को पता है जो E लिखा जाता है, देखो यहां से शुरू हो गए फार्मूले लगना, En जो लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं -13.6 याद होगा Z²/N² लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, होता है सब। कह रहे हैं कि किस कक्षा में, प्रथम बोर कक्षा में ऊर्जा, तो हम इसे लगा देते हैं E1 डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, तीसरी कक्षा में चाहिए तो लिख दो E3 बराबर, यहां पर ये कट जाएगा एन स्क्वायर के साथ उल्टा आएगा, तो यहां पर लिखेंगे 3/1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे। सॉल्व कर दो तो यहां से E3 जो निकल के आएगा वो कितना लिखा जाएगा, E3 बराबर आ जाएगा E1/9, E1 कितना है -27.2 और /9, तो ये बन जाएगा -9^27 और ये वैल्यू फिर 0 बनेगी और ये 2 लगा के लिख दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो फार्मूला याद रखेंगे जेड के साथ भी और जेड के बाद भी, तो जेड के साथ याद रखोगे तो कोई भी परमाणु हो उसके लिए लगा सकते हो, जेड के बाद याद रखोगे सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर लगेगा वो, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके अगला केस है, हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोर कक्षा की त्रिज्या दे रखी है, चौथी की निकालो। पहली बोर कक्षा की त्रिज्या दे रखी है, चौथी की निकालना है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा E1/E2 जो लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं N2/N1 का होल स्क्वायर, यही तो आया अभी, तो रख दो वैल्यू। और ऐसा दिया गया पहली की त्रिज्या दे रखी है, चौथी की त्रिज्या निकालनी है, तो पहले की त्रिज्या दे रखी है तो डायरेक्ट त्रिज्या के फार्मूला लगाओ ना, R = N² या कह सकते हैं डायरेक्ट लिखो R समानुपाती होता है N² के, और यहां से लिखेंगे तो R1/R2 बराबर क्या लिखेंगे N1/N2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। पहले की कितनी दे रखी है 0.5, R2 का पता नहीं, और यहां पर N1 दे रखा था पहला, और N2 कितना मिलेगा, तो N2 मिल जाएगा चौथा, तो चौथे का बन जाएगा 16, तो यहां से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16×5 = 80, 8 एंगस्ट्रॉम निकल के आ जाएगी, देखो सही है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखो पूछा था ऊर्जा को रिलेट करके, यहां पर त्रिज्या पूछ लिया। अगला फिर देखो कुछ पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु में N=3 से 2 में संक्रमण करता है, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य बताओ। ये बहुत अच्छा सवाल बन गया। अब इसको दोनों अलग अलग तरीके से जो शॉर्टकट बताया था वहां से कर सकते हो। कैसे, देखो
अगर हम फॉर्मूला लगाएं तरंग दैर्ध्य निकालने का, तो एक तो तरीका ये है 1 बाई लैम्डा बराबर आर, यहां पर 1 बाई यहां पर रख देते हैं, क्या ये वैल्यू रखते चले जाओ ना, क्या होता 1.095 इंटू में 10 टू द पावर 7 भी लिखा मिल सकता है, तो 5 लिख लो या 7 लिख दो, इंटू यहां पर लिखेंगे 1 बाई, ये बनेगा 1 बाई एन वन स्क्वायर, तो 3 से 2 में संक्रमण करता है, तो 2 का स्क्वायर लिखो और यहां 1 बाई 3 का स्क्वायर लिखो, ये बनेगा, और यहां से लैम्डा निकाल लो तो वो निकल के आ जाएगा 65-67 एंगस्ट्रॉम। एक तो तरीका ये होता है निकालने का, निकाल सकते हैं, बढ़िया है। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो दूसरे केस में वापस आओ, लेकिन उसके लिए एक डाटा पता होना चाहिए, ऊर्जा। तो अगर बात करते हैं ऊर्जा किसकी, E2 की ऊर्जा क्या लिखी जाती है, तो माइनस यहां पर फार्मूला क्या है N का, 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर या एन स्क्वायर लिखो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से रखेंगे अगर 2 तो 4 बनेगा, 4 × 3 = 12 और ये बन जाएगा 4 × 4 = 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर E2 निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E2 क्यों चाहिए हमें, E3 चाहिए, तो E3 बराबर क्या निकल के आएगा, −9 × 9 तो 1.51 एंगस्ट्रॉम निकल के आता, अंतर ले लो इनका डेल्टा E बराबर, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा वो छोटा है, तो इसे लिखेंगे E3 −E2। E3 है हमारे पास −1.5 और ये माइनस लगा के लिखेंगे −3.4 तो बराबर क्या निकल के आएगा, यहां से देखो इसे लिखेंगे 3.4 फिर माइनस हो जाएगा 1.5, 14 में से 5 गया, 9 × 5 = 14 होता है, यहां पर बच गया जाके 2 में से 1 जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ गया। ये अगर निकल के आया तो तरंग दैर्ध्य यहां से निकाल लो, बहुत इजी। कैसे, बताया था लैम्डा बराबर लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम में आता है ना, या लैम्डा बराबर ऐसे लिखो 12 × 375 और डिवाइडेड बाय में डेल्टा ए लिखा जाता है, किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो यहां से लैम्डा निकालोगे तो 12 × 375 और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा डेल्टा ई 1.9 और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू बनेगी वो सेम बनेगी। तो इस तरह से कैलकुलेट करो तो ठीक, इस तरह से करो तो ठीक। अगर ऑप्शन दिया गया हो, अगर किसी तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो अगर ऑप्शन दिया गया हो तो ये फार्मूला लगाओ जल्दी होती है, अगर बोर्ड का लगा रहे हैं तो ये फार्मूला लगाओ रिजल्ट अच्छा निकल के आता है, अच्छा का मतलब सही सही रिजल्ट निकल के आता है। ये यहां पर राउंडिंग ऑफ होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो बनता है उसमें ये वैल्यू रखी जाती है, तो यहां से भी वैल्यू मिलेगी वैसी, लेकिन ये जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी, दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होंगी, ठीक याद रखना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। और पूछा कुछ और है, क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि चुंबकीय किसमें मिलेगी, किसमें मिलेगी, 65 / 67 दे रखा है, तो 65 वाला किसमें रहता था, बामर में, बामर में आई थिंक याद होगा, बामर श्रेणी में मिलेगी, और बामर श्रेणी कहां मिलती है, दृश्य प्रकाश, दृश्य क्षेत्र में मिलती है, कुछ मिलती है और परावैगनी में, लेकिन ज्यादातर दृश्य में मिलती है, तो यह दृश्य में आएगी। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 2 ऊर्जा स्तरों में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अंतर है, ठीक है, 2 ऊर्जा स्तरों में, यह अंतर कहां का दे रखा है, समझ में आ गया होगा अब तक, कैसे, यहां से देखो ये होता था 3.5, एक मिनट देख लो इधर कितना लिखा गया था, 3.4, तो 3.4 माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां का दिया होता था −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन्हीं का गैप तो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन्हीं का गैप, इसका मतलब पहले और दूसरे के बीच का गैप दे दिया इन्होंने। कह रहे परमाणु संख्या 10 वाले, मतलब जेड बराबर 10 वाले हाइड्रोजन सदृश परमाणु में दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर कितना होगा ये बता दो, निकाल लो ना, कैसे, उन्होंने जिस बारे में बताया है कि ये किसमें से किसमें जा रहा, तो हमें तो पता ही चल गया ना, एन बराबर N1 = 1 से N1 = 2 में, N2 = 2 में जा रहा है, ये है, तो इनके बीच का ये गैप है 10.2 का। कह रहे हैं परमाणु संख्या 10 वाले हाइड्रोजन परमाणु में इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर कितना होगा, तो लगा दो क्या होता है फार्मूला, E1 बराबर क्या लिखेंगे, −13.6 जेड स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, खत्म। दूसरे केस में E2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, −13.6, यहां पर लिखेंगे 10 का स्क्वायर और बटा यहां क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 4 मिलेगा, सही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, देखो ये है 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो −13.60 मिलेगा, और यहां पर सही है 13.60 सही है,
1360 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, इधर वाले में मिलेगा 100 बटा 4 तो बन जाएगा 25, तो माइनस 13.6 इंटू में बन जाएगा 25, मल्टीप्लाई करा दो 25 छक्का 150, तो ये जीरो बनेगा, 15 आ जाएगा यहां से, 25 या 75, 75 5 ये बन जाएगा 80, 10 90 जीरो बनेगा, 9 बनेगा, 25 एकम 25 और 9 5 14 ये बन जाएगा 34, 34 बन जाएगा। पॉइंट कहां लगेगा तो यहां पर ऐसे लिख देते 340 बनेगा, 25 छक्का 150 15 बना 25 या 75, 75 ये बन जाएगा 90, 90 का 9 बना 25 एकम 25, 25 9 5 14 34 बन जाएगा। तो इसको ऐसा लिख देते हैं सीधे सीधे 340 माइनस 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। इन दोनों का अंतर चाहिए यार, इन दोनों का अंतर ले लो, कितना अंतर आएगा, डेल्टा ई बराबर 1360 माइनस 340, वो चिन्ह रख के घटाना होगा, चिन्ह रख के घटा लो, बनेगा यही, लिख देते हैं। अच्छा क्या अंतर आएगा, तो E2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई, E1 की वैल्यू निकल के आई है, तो माइनस 340 और माइनस माइनस का 1360 सॉल्व कर दो, निकल के आएगा 10 20, ये हमारे पास निकल के वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। आई थिंक ये चीज समझ में आई हो कैसे करना है, अगर पता होता है तो बता सकते कहां से कहां जा रहा है, या तो करो ऊर्जा का अंतर ढूंढो कहां होता है 3.2 और उसके बाद वहां से N1 N2 का निकालो वैल्यू, उसके बाद में वैल्यू निकालो, अगर इस तरह करना है तो बहुत जल्दी हो जाती है रिलेटिवली। आगे, किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 है, इसकी तरंग संख्या बताओ, तो तरंग संख्या जो होती है वो फार्मूला लिख देते हैं, खुद कैलकुलेट कर लेना, तरंग संख्या, तरंग संख्या ये लिखी जाती है 1 बटा लैम्डा, और हम जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा गया हो तो E बराबर लिखा जाता है एच सी बटा लैम्डा, तो यहां से लैम्डा ही निकालना, 1 बाय लैम्डा करना, तो कर लेना 1/5 इंटू 10 टू द पावर कितना बन जाएगा 3 है तो 7 बनेगा ये, तो इसे लिखेंगे 5 × 2 = 10 गुणे 10 की घात बन जाएगा 7, तो इसे लिख सकते हैं 2 × 10 की घात 6, और ये किस में लिखा जाएगा, मीटर इनवर्स में लिखा जाएगा, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कितने परिक्रमण करता, प्रति सेकंड कितने करता है, आवृत्ति बतानी है, याद होगा आवृत्ति क्या लिखी गई थी, f बराबर लिखा गया था 6.6, यहां पर 3 × 10 की घात 15 लिखा गया था, और यहां लिखा गया था n³/z² उल्टा लिखा था, z² / n³ ऐसा लिखा गया था, याद होगा। तो अगर h परमाणु की बात करें, h एटम के लिए, तो h एटम के लिए बात करोगे तो z बराबर तो 1 लिखा जाता है, और n बराबर 1 करेंगे ये कह रहे हैं देखो, तो f की वैल्यू क्या मिलेगी, तो बनेगा 6.63 या 6.3 या 6.5 भी हो सकता है 15, और ये आ जाएगा हर्ट्ज, ये आएगा, तो 6.3 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, दोनों सही है, निकालना सीखा था, वही क्वेश्चन दिया गया है, कर लेंगे। अगला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है पहले कक्षा की, इसे इतने ऊर्जा दे दी जाए तो क्या होगा, किस प्रकार ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा, तो याद रखो जब कभी भी किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन हो और उस ऊर्जा स्तर में कुछ ऊर्जा है माइनस में है और प्लस में उतनी ऊर्जा सप्लाई कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा, आयनित हो जाता है वो परमाणु। तो वही कह रहे हैं कि ऊर्जा हमारे पास कितनी दे रखी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा सप्लाई करोगे जीरो ऊर्जा, बंधा ही नहीं रहेगा वो, जब बंधा नहीं रहेगा तो वो आयनन ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और कह रहे हैं उस केस में जो उत्सर्जित फोटॉन होगा उसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में अगर हम फोटॉन की ऊर्जा लिखें तो कितनी लिखी जा सकती है, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई बराबर लिखा जाता है hc/λ, यहां से डेल्टा ई और hc की वैल्यू रख देना, आंसर निकाल लेना, एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो ऐसे लिख दो 12375/Δi वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना, ये तो खुद ही कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हाइड्रोजन परमाणु में पहले एक इलेक्ट्रॉन दूसरी उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में, देखो पहला दूसरा तीसरा ये होती पहले उत्तेजित अवस्था, ये दूसरी, तो दूसरी उत्तेजित अवस्था से चलता है, दूसरी उत्तेजित अवस्था से चलता है यहां आता है, फिर यहां से चलता है तो यहां आता है। इस केस में यहां पर ऊर्जा का अंतराल डेल्टा E1 है, यहां का ऊर्जा अंतराल डेल्टा E2, यही तो कह रहे हैं। बाद में प्रथम उत्तेजित अवस्था में मूल ऊर्जा स्तर में कूद जाता है, सही है, उससे अर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य बताओ, संवेग बताओ, अनुपात बताओ,
तो चलो देखो, सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप निकाला जाए। तो ये गैप क्या लिखा जा सकता है, तो इस गैप की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर, कुछ याद आया होगा क्या लिखा जाता था, आर एच सी, और यहां लिखते थे 1/N1 स्क्वायर। तो 1/N1 स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो यहां से वैल्यू लिखेंगे आर एच सी, ऊर्जा तो होती थी ऐसे, तो ये बन जाएगा 1/4, ये बनेगा 9/4, ये 5 बनेगा, यहां बनेगा 9 × 36, ये बन जाएगा, ये डेल्टा ई बन जाएगा, इसे डेल्टा ई वन लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में डेल्टा ई टू बनेगा, वो क्या होगा, आर एच सी बन जाएगा, यहां पर 1/पहला है दूसरा है, तो यहां क्या बन जाएगा, ये बनेगा आर एच सी, ये बन जाएगा 1 माइनस, तो 4 - 1 = 3, 3/4 बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा ई टू। सॉल्व कर दो इसे, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा डेल्टा ई टू, डिवाइड कर दो तो डेल्टा ई वन बटा डेल्टा ई टू। डेल्टा ई वन कितना है, तो वो एच सी एच सी कट गया, या ऐसा लिखो 5/36, और इसको उल्टा करके लिख दो 4/3, 4/3 लिख देंगे, सही है, डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही होगा 4/3, सही है। अब इसे 4 × 9 = 36 जाएगा 5/27, ठीक है, ये ऊर्जा का अनुपात हो गया, तो ये ऊर्जा का अनुपात निकल के आ जाएगा। इससे पहले क्या लिखा गया है, तरंग धैर्य देख लो, तरंग धैर्य में क्या होगा, तरंग धैर्य तो ऊर्जा का उल्टा लिखा जाता है ना, ई बराबर क्या लिखते हैं, एच सी बटा लैम्डा, तो हम ऐसे लिख देते हैं समानुपाती 1/λ, तो ई का जो अनुपात है उसका उल्टा होगा, तो यहां पर जो तरंग धैर्य होगा, तरंग धैर्य का जो अनुपात निकल के आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 27/5 होगा, और हम जानते हैं लैम्डा बराबर लिखा जाता है h/mv, मतलब वेग के इनवर्स में होता है तरंग धैर्य, तो वेग संवेग का क्या हो जाएगा, फिर संवेग का बन जाएगा वही जो ऊर्जा का था, कितना, 5/27। तो देखो 27/5 एक हो गया, और 5/27, 5/27 दो हो गए, अलग अलग केस में ये अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खुद ही ट्राई कर सकते हैं इसे भी, लेकिन इसे लगा देते हैं कि कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में ऊर्जा ये दी जाती है, याद है हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने पर मुक्त हुई ऊर्जा। तो कह रहे हैं द्वितीय से प्रथम में जाएंगे मुक्त कितनी ऊर्जा होती है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने पे मुक्त हुई ऊर्जा क्या होगी। तो हम लोगों को पता है पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए, दूसरी से पहले में जाए, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो डेल्टा ई बराबर क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा ई लिखेंगे E2 - E1, E2 कितना है, तो वो लिखा जाएगा -13.6, कॉमन हो गया, यहां पर लिखा जाएगा या ऐसे लिख दो 1/(, में क्या लिख सकते हैं, दूसरी कक्षा से गया तो दूसरे का स्क्वायर माइनस, ये तो पहला हो गया ना, दूसरे का लिखेंगे -13.6/(1) में 1 का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो बनेगा, देखो 13.6 कॉमन, यहां बन जाएगा 1 - 1/4, तो ये बन जाएगा 3/4 × 13.6, और ये बनेगा 3, और इससे काटते तो कितना निकल के आता है, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 16 निकल के आता है, 3 × 12 बनेगा, 3 × 3 = 9 बनेगा, 9 × 1 = 10 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आता है, और याद भी है हम लोगों को 10.2 आता है। कह रहे हैं संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग धैर्य बताओ, जो फोटॉन निकलेगा उसकी तरंग धैर्य 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद में कह रहे हैं द्वितीय से जा रहा था, द्वितीय से पहली कक्षा में जा रहा था, इतना हो गया। संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की तरंग धैर्य बतानी है, तो तरंग धैर्य निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसी को बराबर कर दो ना किसके, एच सी बटा लैम्डा के, और यहां से लैम्डा निकाल लो, लैम्डा निकल आएगा, और क्या कह रहे हैं, लैम्डा निकल गया। फिर अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट यह है कि परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा, परमाणु को आयनित करना ना, तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, किसमें, पहले में है, पहले की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो देखो E1 मिलेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर ये वैल्यू निकल के आएगी तो यहां से क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी जाए तो ये आयनित हो जाता, ये बात हम लोगों ने अभी इधर की थी, देखो यहां पर ये है,
एन बराबर अनंत में चला जाएगा, वो अनित हो जाएगा परमाणु। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन सीरीज पर ही बेस्ड है, जो श्रेणियां पढ़ी थी उन्हीं श्रेणियों पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बीच से उठ के चले आते हैं कि एक में दे रखी है ऊर्जा, तीसरे की ऊर्जा बताओ, एक की त्रिज्या दे रखी, पांचवे की त्रिज्या बताओ, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बाकी के बचे हुए आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उससे इसके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। अगली क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे नाभिक के गुणों के बारे में, कि नाभिक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं और उनके जुड़े कुछ अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।